नमस्कार, कैसे हो सब लोग। इंजीनियर अड्डा पर आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कौन हमारे साथ साथी लोग जुड़े हैं, एक बार शेयर कर दो फटाफट सेशन को, जल्दी से एक बार बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर कर दो। कार्तिक मीणा क्या बोल रहे हैं, कार्तिक जी जो इसकी नज़में लिखता नहीं वो इसकी बात क्या जाने, वाह वाह, जो अब तक किसी से बिछड़ा नहीं वो तन्हा रात क्या जाने, गुड नाइट। अरे ओ पढ़ लिया अगर ठीक है, एक घंटे बाद सोना ठीक है, गुड नाइट है। मैं आज रिजल्ट आया फिर भी तुम जो है सोनेगा बिल्कुल। इंजीनियर सूर्यान सक्सेना सिंसेन, अच्छा ये सारण जी बिल्कुल वेलकम, राम 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 राम। सिविल जॉन मैन ऑफ गॉड, और कौन है अभी, अमित कुमार, सोनिया, सौरभ, सर इंग्लिश में भी पढ़ाया करो प्लीज। बिल्कुल सौरभ यही काम है ना, थोड़ा मिक्सअप में है ना, बिल्कुल आप ज्यादा इंग्लिश की टेंशन मत लो है ना, इतना ज्यादा कोई वो। शेखर शर्मा, हाँ पढ़ रहा हूं ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करें सेशन को, एक बार शेयर कर दो बेहतरीन तरीके से। वीर तुम बटे चलो, धीर तुम बटे चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बटे चलो धीर तुम बटे चलो। बिल्कुल मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ये जहीन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही शानदार, पता है कहां है ये, कहां से क्वेश्चन आया, कहां से उठाया इन्होंने, सीधा का सीधा मेन साइट जयपुर मेट्रो, आप सर्च करोगे वहां पर आपको डायरेक्ट मिलेगा द जयपुर मेट्रो रेल सिस्टम डैश सब सिस्टम 6th, 7th, 5th और इधर कर दो, इधर आप कर दो 8, क्या कर दो 8, बताओ जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है, किस नंबर की प्रणाली है जयपुर मेट्रो। जयपुर सर राजस्थान फॉरेस्ट रिपोर्ट एमसीक्यू लाओ, बिल्कुल जितेंद्र कुमार राजस्थान फॉरेस्ट के भी लेके आ जाएंगे है ना, आप तो पढ़ते रहो बाकी सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, शेयर करते जाओ सेशन को एक बार फटाफट, हाँ 50 तक फटाफट पहुंचा दो एक बार जल्दी से। आर एस मीणा, ऑप्शन क्या होगा, अबलेश का आंसर आया 6, क्या आया है 6, अच्छा ऐसी बात है, और ऐसी आज माइंड अपसेट है, अच्छा सर मेरी किस्मत जॉब होगी या नहीं समझ में नहीं आ रहा है सर, पटवा रिजल्ट देखने के बाद। सोनिका इतना घबराओ मत, ठीक है वीडियो मेंस आपके सामने है अच्छे से है ना, हाँ ये सोनिका मात्र जो है 4 नंबर से रही, 200 के आसपास कुछ आ रहे थे मार्क्स, गुरु हाई कोर्ट एलडीसी का भी कुछ करो, बिल्कुल परमजीत टाई इसके अंदर ही है ना, आप टेंशन मत लो सब कुछ होगा, बस आप तो जुड़े रहो और मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, जितनी करनी है ना उतनी बस, ठीक है बिल्कुल सही है 6 राइट आंसर है, 6 जो है राइट आंसर है। पहली बार जयपुर मेट्रो रेल जो है ना, जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई राजस्थान के अंदर, कॉमर्शियल कॉमर्शियल जो शुरुआत हुई है ना कॉमर्शियल, वो हुई है मई 2015 में, कब मई 2015 में। इंजीनियर्स बी कॉन्फिडेंट, क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर सीधा सीधा, ठीक है क्योंकि आप जो है सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ, तो मई 2015 में जयपुर मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक तरीके से, ठीक है ये आप ध्यान रखें। अभी रिसेंट में एक पेपर हुआ था पीटीटी का, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था इसकी गेज, तो यहां पर वो गेज बना हुआ ना, गेज इसकी लेंथ कितनी है, तो 1435 mm, कितनी है 1435 mm, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जयपुर मेट्रो रेल उसको वित्त पोषित कौन देती, फंडेड ये फंड कौन करता, पैसे कौन देता है, तो पैसे मिलते हैं बाहर से, कहां से, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है मनीला, तो फंड बाई किसको, एडीबी, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत सॉलिड और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके अलावा ये कई फेज में वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है कई फेज में वर्क कर रहा है, ठीक है तो पहले आप इसको नोट कर लो 1435 mm जो है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है 1400 ट्रैक गेज है ना, ट्रैक गेज जो है ट्रैक गेज की लेंथ, ट्रैक गेज इसकी लेंथ क्या है ये। अब देखो ये 6 नंबर की है तो और कौन सी है 5, तो इसमें मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर, फिर उसके बाद में बेंगलुरु, यानी छठे नंबर की है अपने राजस्थान के अंदर जयपुर मेट्रो, ठीक है बेंगलुरु, उसके बाद बात करूं कोलकाता गुड़गांव और मुंबई, ठीक है गुड़गांव और मुंबई पांचवी और छठी जो है अपनी जयपुर मेट्रो,
कब शुरुआत हुई? मई 2015। कब हुई? मई 2015। कितने मेट्रो स्टेशन है? 11। ये भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, कितने हैं टोटल मेट्रो स्टेशन, कितने हैं? 11। स्टेशन की बात हो रही, स्टेशन मेट्रो तो एक ही है, मेट्रो स्टेशन कितने हैं? 11 मेट्रो स्टेशन है। कितने? 11 मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, 11 मेट्रो स्टेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। इसके अलावा बात करूं ना, ये जयपुर मेट्रो ऐसा है जिसके अंदर 25% महिला, एक बटा 4% महिलाएं काम करती है इसके अंदर, जयपुर मेट्रो के अंदर, ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल, एक बार शेयर कर दो भाई। गुड इवनिंग मोनिका, मीनाक्षी, कार्तिक जो होना है वो हो गया, ठीक है, राशि या नहीं वो परमजीत टाई, ठीक है, एक बार शेयर कर दो, हौसलों की उड़ान। हाँ आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यहां से ध्यान से देखो एक बार फटाफट, है ना, हम बात करते हैं फेज की, है ना, फेज, तो फेज फर्स्ट ए, फेज फर्स्ट बी, फेज फर्स्ट सी और एक फेज सेकंड, फेज सेकंड, फर्स्ट ए, फेज फर्स्ट के अंदर ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो पहला जो फेज है वो 9.63 किलोमीटर है, मानसरोवर से लेकर चांदपोल, मानसरोवर टू चांदपोल, ठीक है, मानसरोवर टू चांदपोल, ठीक है। उसके बाद में चांदपोल टू बड़ी चौपट, चांदपोल टू बड़ी चौपट, ठीक है, बड़ी चौपट। उसके बाद में बड़ी चौपट टू ट्रांसपोर्ट नगर, बड़ी चौपट टू ट्रांसपोर्ट नगर, ठीक है, ये फेज ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ट्रांसपोर्ट नगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो देगा फेज, फेज फर्स्ट ए, सामने दे देगा कुछ और, फेज फर्स्ट बी, फेज फर्स्ट सी और फेज सेकंड, फेज सेकंड जो है सीतापुरा, जयपुर इंडस्ट्रियल एरिया ना, सीतापुरा, सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी, कहां पर? अंबाबाड़ी, कहां? अंबाबाड़ी, ठीक है, अंबाबाड़ी, अंबाबाड़ी, यहां पर ध्यान रखेंगे फेज सेकंड, है ना। इतनी कुछ बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, फेज फर्स्ट, फेज फर्स्ट के अंदर एबीसी और फेज सेकंड के अंदर अभी फिलहाल काम हो रहा है। तो पहला जो फेज है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, 2010 के आसपास स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये जो फेज फर्स्ट भी है, चांदपोल टू बड़ी चौपट, ये अभी 2020 का ही, फिर उसके बाद धीरे 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 फेज बनते गए। तो इसकी बात करूं खास, जो है जयपुर मेट्रो पूरी खाली रहती है, पैसा सरकार को बहुत कम मिलता है, और ये जितने भी पैसे लगते हैं, कई करोड़ों में पैसे लग रहे हैं, कई हजार करोड़ों में, तो जो भी है उसका फंड कौन करा? एडीबी। कहां से हम पैसे ले रहे हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। कहां से ले रहे हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सरकार की परियोजना है जिनको अलग अलग फंड करता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी परियोजना है सरकार की, कौन से प्रोजेक्ट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां पर सरकार के कुछ प्रोजेक्ट है ना, सरकार के कुछ प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट है जिसको बाहर से पैसा मिलता है, कुछ प्रोजेक्ट, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ लिखवा रहा हूं ध्यान रखना। पहला है राजस्थान जल क्षेत्र, यानी वाटर, वाटर से रिलेटेड है, जल क्षेत्र यानी वाटर क्षेत्र, आजीविका लाइवलीहुड, आजीविका सुधार परियोजना, आजीविका सुधार परियोजना, इसको कौन फंड कर रहा है? ध्यान रखना, वाटर यानी जल से रिलेटेड है, क्या है? जल, तो ज फॉर जल और ज फॉर जाइका, यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। अगर कहीं आप बाहर से आते हो तो जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, तो वहां पर भी ऐसे कई प्रोजेक्ट चलते होंगे, या एमपी में जहां भी ऐसे प्रोजेक्ट चलते होंगे, उनको कोई ना कोई पैसे लेता है, ठीक है। सरकार के पास इतने पैसे नहीं होते, ये प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं, 6 साल 7 साल, ठीक है, तो लोन जो है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद ब्याज कम मिलता है। तो पहला बड़ा जो कदम है वो है जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे जाइका। दूसरा है जैव विविधता, जैव विविधता से रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट है जो बार बार एग्जाम में आता है एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है, जैव विविधता, तो जैव विविधता वाला भी कौन फंड कर रहा है? जाइका, कौन कर रहा है? जाइका। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर पर एक लिफ्ट है पन्ना लाल बारूपा, ठीक है, तो फ्लोराइड निराकरण के लिए, किसके लिए? फ्लोराइड निराकरण, जो बात की थी ना कुबड़ पट्टी की नागौर के अंदर, तो फ्लोराइड निराकरण के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर भी पैसा कौन दे रहा है? जाइका, ठीक है। ऐसे याद करो, ज फॉर जल,
जल जीव विविधता और जल फ्लोराइड भी ऐसी जल, ठीक है। तो जल जीव विविधता और फ्लोराइड इनको कौन पैसे दे रहा है, जाइका जाइका जाइका, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो एक प्रोजेक्ट सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम पावर। क्या है एम पावर? एम पावर ये देखो ये रिलेटेड टू मिटिगेटिंग पॉवर्टी, ठीक है, इससे रिलेटेड है। पश्चिमी राजस्थान जो हमने बात की थी ना, वेस्टर्न राजस्थान ये वाला, ठीक है, इसकी इसमें जो है गरीबी दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा। कहां पर? वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में। किसके लिए? टारगेट क्या है या एम क्या है? मिटिगेटिंग पॉवर्टी। क्या? मिटिगेटिंग पॉवर्टी, यानी गरीबी को दूर करने के लिए, ठीक है, गरीबी को दूर करने के लिए मिटिगेटिंग पॉवर्टी, मिटिगेटिंग पॉवर्टी, ठीक है। और कौन चला रहा है? ऑपरेट बाई या रन बाई, ऑपरेट बाई, तो कौन? आईएफएडी और रतन टाटा, ठीक है, आईएफएडी प्लस में टाटा, प्लस में टाटा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। एम पावर, एम पावर प्रोजेक्ट अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या है? अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, कुछ नहीं कालती ग्राम राम सर, इंडिया का प्रधानमंत्री कौन बोले सिविल भाई साहब, इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। आई तू बिला तो किसी दिन इनको भी होगा जैसे हमें, और बातें नहीं है कुछ नहीं, ठीक है हितेश। अच्छा भाई देखो बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है, मुझे पता है कि जिनके काफी सारे नंबर आ रहे थे 200 से ऊपर ऊपर, उन सबका दिल टूटा है, लेकिन क्या कर सकते हैं सर। आज मेरा 5 साल पुराना पैरट टूट गया, तोता उड़ गया, कहाँ उड़ा, कल आपसे मिलने आ रहा हूँ सर। आप कहाँ मिलेंगे सर? जयपुर में। एक बार ठीक है पता कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अवतार सिंह आ गए, अवतार सिंह जी आपका स्वागत है। क्या है? आपका मोस्ट वेलकम, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारी बातें आप ध्यान रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, कि जाइका क्या है, एडीबी क्या करता है, ये सारे के सारे फैक्टर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ आ गया ना आपको, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की 6 नंबर की है, तो पहली कौन सी है? दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, गुड़गांव, मुंबई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेक गैस लाइन की लंबाई कितनी है? 1435 mm, ठीक है। फंड कौन दे रहा है, पैसे कौन दे रहा है? एडीबी, ठीक है। टोटल मेट्रो स्टेशन कितने? 11, कितने? 11। शुरू कब हुई? तो शुरू हुई मई 2015, कब हुई? मई 2015, ठीक है। ये कुछ बातें आप यहां से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये मान लो आपकी ज्योग्राफी है ना इस क्लास के अंदर खत्म हो रही है। अभी तक हम ऑलरेडी कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 22 पे पहुंच गए, 22 पे, 22 क्वेश्चन पे। और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर जिसने भी राजस्थान ज्योग्राफी को जानता होगा तो हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है यहां से। राजस्थान ज्योग्राफी जैसे ही खत्म हो जाती, कुछ नहीं है, इतनी आसान है। तो आप ये मान लो इंजीनियर्स 20 में से 20 तो आपके इधर हो गए, ठीक है, हमें अपने नंबर लाने 20 में से, और तो हम जीके में कितने ला सकते हैं, ठीक है। आप जितना हो सके बस है ना, जो बोल रहा हूं उतना कर दो, बहुत है, क्योंकि नंबर तो लाने पड़ेंगे। अगर 40 में से 30 प्लस लेके आए तो, क्योंकि कट ऑफ आजकल थोड़ी आई जाती है, ठीक है, आई जाती है, स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं। हाँ, आईएफएडी स्टैंड फॉर सौरभ, ओम भाई, ठीक है, ASW है, बिल्कुल। क्या आंसर होगा इसका? सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही, कोटा। अगर ये क्वेश्चन इंदिरा गांधी लिफ्ट, गांधी नहीं है यहां पर, देखो गांधी नहीं है, गलती से भी ये नहीं मत कर देना, गांधी नहीं है, ठीक है। तो गांधी तो कहां जाएगी, सवाई माधोपुर में थोड़ी जाएगी, तो ये गांधी नहीं है, ये ध्यान रखना एक तो, ठीक है। ये इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, क्या है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। तो ये कहां पर है? सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, कोटा, बताओ क्या होगा आंसर। सर मेरी 4 शिफ्ट थी। ओहो, 4 शिफ्ट में भाई नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए? 15 नंबर कम हो गए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, 15 नंबर कम हुए। सबसे ज्यादा नुकसान 4 शिफ्ट को हुआ, बाकी शिफ्ट में तो बढ़े हैं। क्या बढ़े? बाकी शिफ्ट के अंदर तो क्वेश्चन बढ़े हैं, ठीक है, बस इसके अंदर ही है। बार कर देगा गुरुजी, क्या करें सुरेंद्र, ठीक सर, राजस्थान इतिहास भी लाओ। मीना छोरा टारगेट, बस यही तो काम कर रहा हूँ सर, जितना कराया उसमें 20 नंबर आ जाएगा क्या? बिल्कुल शुभम पांडे, ये और इसके अलावा अगर आपने पेड बैच की क्लास ली है तो आप भरोसा रखो, ठीक है, ये राजस्थान के बराबर इतने तक तो लेके आ जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप
टेक्निकल में कितना देख के आते हो, बात क्यों 1000 पोस्ट है, कम नहीं है सिविल की 1000 पोस्ट। किसे कहते हैं सपना साकार हो रहा है जेएन बनने का, ठीक है इंजीनियर बनने का, जो हमने जो मेहनत किया उसको साकार करने का कि हाँ इंजीनियरिंग सफल हो गई, ठीक है वो बात है। हाँ बिल्कुल, मेरा भी 4 सेप्टेम्बर में जेपी सिंह राठौर भाई साहब 4 सेप्टेम्बर बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। आंसर क्या है, सॉई मधुपुर, सॉई मधुपुर इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखो आईएफएडी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, आप तो इतना कोई नहीं पूछता, इंटरनेशनल आईएफएडी पूछता है, आईएफएडी और रतन टाटा ट्रस्ट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है आईएफएडी, कौन आईएफएडी, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इंदिरा लिप्टी से बड़ी बात समझ में आ गई आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा कुछ नए फैक्ट बनते हैं जहां से हम देखेंगे, यहां से बात करते हैं। तो देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है ना, खास करके ये जो इश्यू है ये आएगा वाटर, वाटर से रिलेटेड, वाटर प्रोजेक्ट, वाटर प्रोजेक्ट है ना। अब मैं कुछ बता रहा हूं यहां पर, देखो सवाई मधुपुर में तीन परियोजना है, तीन परियोजना सवाई मधुपुर, सवाई मधुपुर, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट। सवाई मधुपुर में रणथंभौर अभयारण्य, क्या रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क जहां पर क्या मिलते हैं टाइगर मिलते हैं, क्या मिलते हैं टाइगर, ठीक है रणथंभौर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नौलखा दरवाजा यहां पर क्या है राजस्थान में, नौलखा दरवाजा कहां पर है वो यहां पर, नौलखा डोर कहां पर, नौलखा डोर। इसके अलावा एक भगवान है त्रिनेत्र, जिनकी आप है ना आराधना करोगे तो वो अपनी विश पूरी करते हैं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसके अलावा जैन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा, जोगी महल, क्या जोगी महल, ये भी यहां पर है, जोगी महल क्या है, जोगी महल, जोगी महल, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी रणथंभौर का इतिहास भी पुराना, रणथंभौर की स्थापना 1194 में गोविंद राज द्वारा की गई, कब 1194 में गोविंद राज के द्वारा की गई। यहां पर बहुत बड़े बड़े नाम है, विग्रहराज सतुर्थ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे यहां से, सवाई मधुपुर से, सवाई मधुपुर से रणथंभौर क्या है नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, क्या है टाइगर रिजर्व भी, राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताओ, प्रथम टाइगर रिजर्व। इसके अलावा दो तीन बातें बस, ये अपना एक तो जोगी महल, जोगी महल, एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर, एक नौलखा दरवाजा और बाकी रणथंभौर, ठीक है इसके लिए जाना जाता है। आप ध्यान से देखो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एक तो है इंदिरा लिफ्ट, इंदिरा लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट, और ये किस पर बना हुआ है चंबल नदी पर, कहां पर चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन सीधा आएगा ये वाला, चंबल नदी पर, बहुत एकदम धीरे इस मैदान से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ध्यान रखना चंबल। दूसरी बात करूं सवाई मधुपुर के अंदर, सवाई मधुपुर के अंदर यहां पर कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सवाई मधुपुर के अंदर दो प्रोजेक्ट और है, क्या है दो प्रोजेक्ट यहां पर और है सवाई मधुपुर के अंदर, एक है पीपलदा, जहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं पीपलदा, देखो पीपलदा ये कहां पर है सवाई मधुपुर में, ठीक है एक है पीपलाद, एक है पीपलदा और एक है पीपलाद। तो पीपलदा तो सवाई मधुपुर में कहां पर है एसडब्ल्यू, ठीक है लेकिन एक नाम है पीपलाद, पीपलाद है ना ये पीपलाद, ये कहां पर है ये झालावाड़ में, नोट लगाओ नोट। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो हमें कंफ्यूज कर दे, क्या करते हैं कंफ्यूज कर दे, ये झालावाड़ में कहां पर है झालावाड़ में, ठीक है। तो एक ईसरदा, एक कौन सा प्रोजेक्ट है जो रिसेंट में न्यूज में रहता है ईसरदा, ईसरदा ठीक है, ईसरदा डैम बोलो या ईसरदा प्रोजेक्ट पूछो, कहां पर है सवाई मधुपुर ईसरदा, क्या ईसरदा, ईसरदा देखो सेम देवनागरी वाली इंग्लिश है और कुछ नया नहीं है। ईसरदा कहां पर है सवाई मधुपुर, कहां पर है सवाई मधुपुर, सवाई मधुपुर का मस्कट क्या है बाघ है, क्या है बाघ, टाइगर है टाइगर, ठीक है ये कुछ बातें ध्यान रखें सवाई मधुपुर। अब हम बात करते हैं दोसा की, ये तीन नाम ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक तो क्वेश्चन यहां से आ गया सीधा ऑलरेडी, क्या सीधा इंदिरा लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट, क्या है इंदिरा लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट, ध्यान से देखो इंदिरा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, क्या है इरीगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार अगली बात करते हैं दोसा की, किसकी बात करते हैं दोसा, दोसा के अंदर भी दो तीन प्रोजेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है दोसा के अंदर, दोसा के अंदर, दोसा के अंदर दो तीन प्रोजेक्ट है किसको याद है बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मिदा भी नोट ग्रुप में दो, सबमिट मिदा भी नोट ग्रुप में, समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूं,
ईश्वर दास भाई वो करे जो मैं ही दिखा आज। अच्छा बातें नहीं करनी बिल्कुल, एक बार शेयर कर दो। देखो आई संख्या 100 तक लेके जाओ, मजा आएगा एक बार सेशन में। और जो लोग नए आए सेशन को सब्सक्राइब करो, इंजीनियर सट्टा 247 को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हाँ अब देखो यहां पर माधव सागर एक जो है ध्यान रखना एग्जाम में आता है, माधव सागर। क्या माधव सागर? एक है रेडियो सागर। क्या है? रेडियो सागर, रेडियो सागर, ठीक है, रेडियो सागर। एक है सिरमिरी। क्या है? सिरमिरी। मारवाड़ में एक गाना है सिरमिरी, सिरमिरी है ना, सिरमिरी। और एक है झिलमिली। क्या है? झिलमिली। याद कैसे करोगे? झिलमिली, ठीक है, यानी यहां पर लिख दो झिलमिली, झिलमिली, ठीक है। जैसे मान लो बरसात का टाइम है, क्या है? बरसात का टाइम है, रेडियो से आप गाना सुन रहे हो सिरमी का। क्या? माधव सागर पे आप बैठे हो, माधव सागर की पाल पर यहां पर आप बैठे हो, रेडियो आपके हाथ में है, वहां से गाना चल रहा है सिरमी का और बारिश हो रही है एकदम झिलमिल झिलमिल। क्या? झिलमिल झिलमिल में उड़ो पर है, ठीक है। ऐसे करके एक मारवाड़ी में गाना है। तो दोसा में जो है ये प्रोजेक्ट है। क्या है? दोसा में जो है ये प्रोजेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं टोंक। टोंक, टोंक से एक तो याद करो टो, यानी टो फॉर टोरडी सागर। कौन सा? टोरडी सागर। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा ये क्वेश्चन सीधा, रेडियो सागर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यहां से एग्जाम आएगा, रेडियो सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो दोसा इसका सीधा आंसर होगा। क्या होगा? दोसा इसका सीधा आंसर होगा। इसी प्रकार देखो टोंक, टोंक के अंदर पहला तो है टोरडी सागर। क्या है? टोरडी सागर, टोरडी सागर, ठीक है, टोरडी सागर। एक तो ये ध्यान रखो टोंक से, और एक है बिसलपुर जो सबको पता है, ये राजस्थान का ऐसा डैम जिसके अंदर स्काडा सिस्टम लगाया गया। क्या? स्काडा, ठीक है, बिसलपुर। और रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र है, जो फिश होती है फिशेज वो एकदम रंगीन दिखती है, ठीक है, जो पर्यटन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बिसलपुर। तो बिसलपुर यहां पर, बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर परियोजना। किस नदी पर स्थित है? एग्जाम में क्वेश्चन आता बनास। किस पर है? बनास रिवर पे, बनास रिवर पे, ठीक है, बनास रिवर पे। हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का। बनास रिवर पे ये है बिसलपुर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर लिख दो रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र, रंगीन फिशेज का हाइब्रिड सेंटर। क्या? हाइब्रिड सेंटर, हाइब्रिड सेंटर। और इसके अलावा प्रथम डैम, फर्स्ट डैम जिस पर स्काडा सिस्टम। क्या? फर्स्ट डैम जिस पर स्काडा सिस्टम, जिस पर स्काडा सिस्टम लगा हुआ है। क्या? स्काडा सिस्टम, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्त। तो टॉप होगी। और अब देखो, अब इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, जहां से मैं आपको चीजें बता रहा हूं इंपोर्टेंट है, बिसलपुर बांध और टोरडी टॉक, बिल्कुल सही, शानदार। आगे देखो नेक्स्ट, एक बार 100 तक पहुंचाओ संख्या को, एक बार फटाफट 100 तक लेके जाओ। अब देखो ध्यान से, अब इकोनॉमिक सर्वे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाता, न किसी बुक में मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान ज्योग्राफी को तो किसी बुक से पढ़ने ही नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप आरबीएसई की बुक फॉलो करो, और इसके अलावा ये चीजें जो बता रहा हूं मैं, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, इससे इससे ही जोड़ोगे तभी काम आएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने ये पढ़ा लेकिन आया कहां से, पता नहीं। तो वो सर्वे में दे रखा होता, कहां पर? इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। इसके अंदर एक फैक्ट है, देखो जहां पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर जो इरिगेशन है ना, इरिगेशन यानी सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसको तीन भागों में तोड़ते हैं। एक बार मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, एक तो है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो यानी मैक्रो लेवल पर, यानी वृहद सिंचाई परियोजना। क्या? मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद में एक है मीडियम यानी मध्यम सिंचाई परियोजना। क्या? मीडियम। और एक है स्मॉल यानी लघु, स्मॉल। अब इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग इतने हैं, क्या है? 7 वृहद है, 6 मध्यम परियोजनाएं हैं और 45 लघु परियोजनाएं। कितनी? 45, जिसके अंदर अभी मैंने बताया था वो टोरडी सागर, नारायण सागर, बिसरपुर, ईसरदास, सारे के सारे वो, ठीक है। तो 6 मध्यम कौन सी है उनके नाम लिख लेते हैं एक बार, और 7 के ये नाम लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 7 कौन सी है, 7 परियोजनाएं कौन सी है जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया नवनेरा डैम, राजस्थान में नवनेरा डैम कहां स्थित है? नवनेरा डैम ध्यान रखना, नवनेरा डैम कहां पर है? कोटा,
कहां पर है कोटा, जानते हो ना आप कोटा, कोटा तो जो भी दोगे बाहर के वो सब जानते हैं। नौनेरा डैम कहां पर है? कोटा में। रिसेंट का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था, उसके अंदर एक क्वेश्चन था सिविल इंजीनियरिंग या फिर कोई और पेपर था, इंजीनियरिंग का ही पेपर था है ना, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जो भी था, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आया। नौनेरा डैम, नौनेरा डैम कहां पर है? कोटा। ठीक है, एक नाम ये ध्यान रखो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है पीपलकूट। क्या है? पीपलकूट। ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ ये कहां पर है पीपलकूट। तो पीपलकूट भी साथ में समझ ले, क्या है पीपलकूट, पीपलकूट। ठीक है, उसके बाद बात करूं नर्मदा। क्या? नर्मदा, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन के अंदर अनिवार्य जो पद्धति लागू की है यानी कंपल्सरी है। ठीक है, तो नर्मदा प्रोजेक्ट। क्या है? नर्मदा प्रोजेक्ट। कितने हो गए? तीन है, एक दो और तीन। ठीक है, अब बात करते हैं चार नंबर की। चार नंबर है परवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आरएस के अंदर, परवन हर एक बार कहीं ना कहीं पूछा गया परवन। तो परवन कहां पर है? बारा और झालावाड़। कहां पर है? बारा और झालावाड़। मैम को एक बार ध्यान से देखो, झालावाड़। ठीक है, बारा और झालावाड़ में स्थित है परवन, परवन। ठीक है, समझ गए? हाँ बिल्कुल सर, नवनेरा डैम कोटा में तकलीफ परियोजना, बिल्कुल सही कह रहे, बहुत ही शानदार। पीपलकूट प्रतापगढ़ में बोल रहे हैं, क्या पक्का सही है? तो पांच नंबर, पांच नंबर पे धौलपुर लिफ्ट, धौलपुर लिफ्ट, धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट। क्या? धौलपुर लिफ्ट। ठीक है, पांच। छह नंबर है राजस्थान के मरुस्थल ऋतु, यानी ये छह नंबर और सात नंबर यहां पर लिखो आप। ठीक है, एक बार इन सातों को ही लिख दो। देखो पहला नवनेरा, नवनेरा, दूसरा पीपलकूट, पीपलकूट। ठीक है, तीसरा धौलपुर लिफ्ट, धौलपुर लिफ्ट। फोर्थ नर्मदा, फोर्थ नर्मदा। ठीक है, और पांचवा मरुसेतर, यानी किसके लिए? डेजर्ट के लिए, मरुसेतर हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जल पुनर्गठन परियोजना। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये वाला, ये इसको फंड कौन कर रहा है, पैसे कौन दे रहा है रिसेंट में, अभी ध्यान रखना। ये आपने नाम सुना होगा एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है कमेंट बॉक्स में बताओ। न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी रिसेंट में न्यूज में भी इजिप्ट इसके अंदर शामिल हुआ है, तो इसको ये फंड कर रहा है। एक दो तीन चार पांच, दो और है। एक तो उच्च स्तरीय नहर है, क्या है? ऊपरी उच्च स्तरीय नहर है, और एक है अपना यहां पर मैं बात करूं तो नर्मदा, नर्मदा हो गया, नर्मदा ऑलरेडी हो चुका है। यहां पर बात करूं नवनेरा, पीपलकूट, धौलपुर, एक है ऊपरी उच्च स्तरीय, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर। क्या है? ऊपरी उच्च स्तरीय नहर, ये भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहां पर परवन नहीं हुआ ना, परवन सातवां है, परवन। क्या है? परवन परियोजना। तो ये सात हो गए मैक्रो, मैक्रो लेवल पर सात है, और हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर एक बार। तो ये जो एक एक चीज लिखा रहा हूं राम बाण है, सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे, पेपर आप समझ लो आउट है। क्या है? पेपर आउट है। अब देखो छह मध्यम, छह जो मीडियम है ना, छह मीडियम वो कौन सी है? छह मीडियम, पहली बात बात करूं मैं हथिया दे। क्या है? हथिया दे, हाथ दे। ठीक है, हथिया दे, ये कहां पर है? बारह के अंदर। कहां पर है? बारह के अंदर। एक है राजगढ़, क्या है? राजगढ़, ये कहां पर है? ये भी बारह के अंदर। ठीक है, एक है गर्दड़ा, जो कहां पर है? बूंदी के अंदर। गरड़दा, गर्दड़ा है ना, गर्दड़ा, गर्दड़ा। ठीक है, इन सबको एक एक बार नोट करते चलो। गर्दड़ा ये कहां पर है? बूंदी। कहां पर है? बूंदी। कितनी हो गई? एक दो और तीन। ठीक है, फिर उसके बाद बात करूं लहासी। क्या है? लहासी, लहासी कहां पर है? बारह के अंदर। ज्यादातर आप ध्यान से देखोगे ना तो ज्यादातर बारह के अंदर है। क्या है? बारह के अंदर। फिर उसके बाद बात करूं यहां पर एक अपनी ये तकली, जो कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा के अंदर है तकली, तकली कहां पर है? कोटा के अंदर। ठीक है, और फिर सिक्स नंबर है वो है अपनी गागरीन, जो कहां पर है? झालावाड़। गागरीन यानी गागरौन का किला, तो गागरीन कहां पर है? झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़। ठीक है, तो गागरीन। तो सात बड़ी परियोजनाएं मैक्रो और सिक्स मीडियम और 45 लघु परियोजनाएं जो हर एक एग्जाम के अंदर 100% पूछी जाती। क्या? 100%। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां से कोई भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है एग्जाम के अंदर सीधा सीधा। ठीक है, समझ के बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। अच्छा इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, आपको एक बार थोड़ा सा बताता हूं इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये क्या है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट IGNP, ठीक है, कैनाल प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली बात यहां से आप ध्यान रखो, ये कहां से ओरिजिन होता है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट का, तो मैं ये बात कर रहा हूं राजस्थान की मैप की, है ना। तो ये यहां पर हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़, और यहां से एक इसके बीच में इस तरीके से एक पाइप है, क्या है, एक फीडर है, क्या है, फीडर, पाइप से इसको सीधा लाया गया हनुमानगढ़ की मसीतावली में, कहां पर, हनुमानगढ़ की जगह मसीतावली, वहां से ये प्रवेश करता है, ठीक है। मतलब इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कहां से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ के मसीतावली से प्रवेश करती है। एक थोड़ा आप यहां से ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ गया, बताओ। तो जो है ना हरी के बैराज, यहां पर हरी के बैराज है, हरी के बैराज यहां से इसकी एंट्री होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कई फेज है ना, फेज, तो हम बात करते हैं इसके दो फेज है, एक फेज फर्स्ट है और एक फेज सेकंड है, क्या है, एक फेज सेकंड है। तो फेज फर्स्ट है ना, वो बात करूं तो 393 किलोमीटर लंबा है, कितना, 393 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये इतना है। अब इसके अंदर भी दो है, एक तो है फीडर, क्या है, फीडर नहर, क्या है, फीडर कैनाल, फीडर नहर, यानी पाइप, ये क्या, ये फीडर है, क्या है, पाइप से फिर उसके बाद में इसको कैनाल से जोड़ा गया है। एक तो फीडर नहर है, एक मेन कैनाल है, क्या है, मेन कैनाल यानी मुख्य नहर, क्या है, मुख्य नहर। ध्यान रखो ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं यहां से कि सर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, अभी लास्ट में कहां तक पहुंची है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, है ना, आराम से। तो फीडर कैनाल है, एक मेन कैनाल है, और टोटल लेंथ कितनी है, 393, ठीक है। तो याद करने का सिंपल सा तरीका, फीडर नहर कितना है, 204 किलोमीटर, ये पूरे पाइप है ना जो, ये 204 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 204 किलोमीटर। तो 204 किलोमीटर, इधर 192 मेन पर, 192 टोटल कितना हो गया, 393, जोड़ोगे तो आप इतना ही होगा, 393। सेकंड जो फेज है ना, सेकंड वो है 256 और 165 यानी 421 का, कितना है, सेकंड फेज कितना है, 421। लेकिन इस पर काम निर्माणाधीन है, अभी काम प्रस्तावित हो रहा है काम, ठीक है। अभी लास्ट इंदिरा गांधी नहर की बात करूं ना, तो वो लास्ट बाड़मेर में 0 पॉइंट तक पहुंची, गडरा रोड, कहां पर पहुंची है, बाड़मेर में 0 पॉइंट गडरा रोड तक अभी पहुंची, 0 पॉइंट एग्जाम में आता, 0 पॉइंट कहां पर है, 0 पॉइंट बाड़मेर के अंदर, कहां पर है, 0 पॉइंट बाड़मेर के अंदर है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, बाड़मेर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सेकंड फेज 421 और 421 में अगर बात करूं मैं यहां से, तो दातोर और मोहनगढ़ तक ये पूरा हो चुका है, तो यहां से 256 किलोमीटर तक तो पूरा हो चुका है और बाकी वाला अभी निर्माणाधीन 165। इसको अगर आप जोड़ते हो तो इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 814, कितनी हो जाएगी, 814। इनको आप जोड़ोगे दो फेज को, फर्स्ट और सेकेंड को, लेकिन अभी ये वाला काम निर्माणाधीन अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी है, 393 और ये 256, टोटल लेंथ है 600 × 50, कितनी है, 600 × 50 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, 600 × 50 किलोमीटर लंबी है इंदिरा गांधी नहर, ये ध्यान रखेंगे। और ये एक बोलते हैं कि राजस्थान के लिए वरदान है, बोलते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान में, तो इसके लिए ये वरदान मानी जाती है। अब ये जब आ गई है तो कोई पानी की समस्या ही नहीं, क्या है, पानी की कोई भी समस्या नहीं, इस मार्च में हो जाएगा प्रोजेक्ट कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है। गुर्जर LDC या ग्रुप डी हाईकोर्ट में अब वैकेंसी बहुत सारी है, ठीक है, कलर चेंज करो, बस है ना, थोड़े दिन की बात है बस, फिर उसके बाद में सब कुछ अच्छा होगा, है ना, फिर उसके बाद बोर्ड चेंज हो जाएगा, सब कुछ आप बोलोगे वो होगा, है ना, और फिर इतना मजा आएगा ना पूछना, मतलब एक अलग ही सेशन लगेगा आपको। बस अभी फिलहाल जितना लिखवा रहा हूं उतना नोट करते जाओ, है ना, तुम तो ये मान लो स्टैटिक जी की अगर इंप्रूव करना है, इस क्लास में आ जाओ लाइव सेट है, ठीक है, ये सारे के सारे मामले राजस्थान में तो सारे फिनिश है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपकी मैथ रीजनिंग जो भी चीजें हैं या आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है वो सब आप कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन यहां पर आपको ये दो तीन चीजें तो है, यहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, टाइम। और मैं इसको सिंपल तरीके से याद करता हूं, बिल्कुल, नंबर कैसे याद करते हैं, फोन नंबर तो सबके याद होते हैं ना,
इंजीनियरिंग लाइफ में तो फोन नंबर ऐसे याद होते, पूछो मत, है ना। तो देखो नंबर याद करने का तरीका, यहां पर देखो 204 104 100 गुण 90 फिर वापस 256 यानी 204 100 गुण 90 फिर 256 और फिर 165। तो इधर देखो 204 100 गुण 90 256 165, बात ही खत्म, ठीक है। इनको जोड़ दो 393 आ जाएगा, 393 आ जाएगा। इसको आप जोड़ दोगे 421 आ जाएगा, कितना 421, ठीक है। ऐसे ही करके जोड़ना, और क्या करना, कोई पूछे टोटल कितनी 0 पॉइंट तक तो आप बता देना इतनी है। वैसे इसके बाद बात करें तो 7 लिप्त नहर है, 9 शाखाएं हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और फिलहाल डिस्कस भी किया है हमने, लेकिन एक बार मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूं, इतना सा क्या इतना सा ओवरव्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हमला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप समझ गए ना, ये कुछ चीजें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत विलास की रचना किसने की। अब देखो मैं फैक्ट तोड़ता हूं, है ना, ये साहित्य जो टॉपिक है ना आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, बहुत सिंपल है क्या। अब जो मैं बता रहा हूं 100% एक क्वेश्चन फंस गया डायरेक्ट, राजस्थान लिटरेचर, ठीक है। यहां से तो बलवंत विलास, यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बलवंत विलास, जेम्स टॉड, मुनोद नैंसी, दयाल दास और सूर्यमल मिश्रण, क्या सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर कितने लेक्चर में होगी कंप्लीट, राजस्थान जी के, डिंपल बोल रही है। हाँ देखो क्लास रेगुलर चलेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगी। आपको तो क्या करना, नोट्स बनाने, रिवीजन करना है, मैं डेली रिवीजन करूंगा। आपको तो खुद से तो बहुत कम ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इतना जो पढ़ा रहा हूँ डेली रिवीजन। जैसे मान लो आज ही क्वेश्चन आया, आज हम इसका रिवीजन करेंगे, दोबारा देखना वापस क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर आप दोगे कि लो सर आप ले, ठीक है इस तरीके से। अब मैं कुछ बात करूंगा रसो, जितने भी साहित्य ना रसो सारे के सारे इकट्ठे कर लो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सूर्यमल मिश्रण, क्या होगा, दयाल दास। वाह बेटे मौज कर दी है, दयाल दास इसका राइट आंसर है, मौज कर दी। दयाल दास मैंने आपको बताया था क्या है, बीकानेर के साहित्यकार है, क्या है बीकानेर के दयाल दास। सूर्यमल मिश्रण कहां के, बूंदी के, राम सिंह सेकंड दरबारी बूंदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बूंदी, ठीक है। मुनोद नैंसी कहां के, मारवाड़ के जोधपुर, कहां के मारवाड़ जोधपुर। जेम्स टॉड कहां के, कमेंट बॉक्स में बताओ। राजस्थान के कर्नल जेम्स टॉड, जिनको घोड़े वाला बाबा क्या कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा। इनकी दो बुकें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये जेम्स टॉड के बारे में हम बात करेंगे अलग से, है ना, जेम्स टॉड काफी इंपॉर्टेंट है। कहां से ये जन्मे थे, जेम्स टॉड का जन्म कहां हुआ था, बूंदी के प्रसिद्ध कवि बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण। तो इनकी बुक है क्या है, जो है हु इज द बलवंत विलास, किसकी है, सूर्यमल मिश्रण, डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो रसो की बात करते हैं, रसो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं रसो, क्या रसो वाले, तो लिखो सारी की सारी बुक है रसो की, रसो, ठीक है। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमीर रसो, क्या इंग्लिश में लिखूंगा हमीर रसो, सेम टू सेम है ना, हमीर रसो, ठीक है हमीर रसो। फिर उसके बाद बात करूंगा सती रसो, क्या सती रसो, सती रसो, राण रसो, रान रसो, ठीक है रान रसो। इसके अलावा बात करूं मैं यहां पर कायम रसो, क्या कायम रसो, कायम रसो, ठीक है कायम रसो। दो तीन और रसो और है, एक अपना विजयपाल रसो, विजयपाल रसो, एक अपना खुमान रसो, क्या खुमान रसो, खुमान 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 रसो, क्या खुमान रसो। और एक रसो और है शत्रुसाल रसो, क्या शत्रुसाल, ठीक है शत्रुसाल, शत्रुसाल रसो। अब इनके राइटर एग्जाम में आते, क्या आते एग्जाम में, राइटर पूछे जाते हैं, अमीर रसो के कौन है, ठीक है। एक और नाम है, मेरा ही नाम है संगत रसो, क्या संगत रसो। इतने सारे रसो हैं, क्या सर याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, आसान है, क्या है आसान है, बस अंदर से लगना चाहिए बहुत आसान है, क्या है आसान, और आंसर भी दे रहे बहुत सारे, बताओ कहां क्या क्या, ठीक है कंप्लीट लगा देना बिल्कुल, हाँ कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट। उर्मिला टेंशन मत लो, आप तो बस है ना शेयर करते जाओ सेशन को, जितना हो सके उतना शेयर करो आप तो। अमीर रसो से दो नाम है, एक तो है जोधराज,
एक है सारंगधर, क्या है सारंगधर, दो नाम है। अब एग्जाम में जो भी मिले आप ठोक देना, ठीक है, आंसर चेप देना सारंगधर, क्या सारंगधर। सती रसो, सबको पता है सती रसो, सती रसो की ध्यान रखो कौन है, सूर्यमल मिश्रण, कौन है सूर्यमल मिश्रण, राम रंजाट, ठीक है, बलवंत विलास, ठीक है, ये सारे के सारे जो किसके हैं सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। अब है कायम रसो, राम रसो, राण रसो, राण रसो के दयाल दास, क्या राण रसो, राण रसो, इसको बताओ एक बार तब तक। कायम रसो, कायम रसो के जान कवि, क्या जान कवि, जान कवि। विजयपाल रसो, विजयपाल रसो का है नल सिंह, क्या है नल सिंह, नल सिंह इनके लेखक है, ठीक है। खुमान रसो, दलपत, दलपत, क्या दलपत, ठीक है दलपत, ये ध्यान रखेंगे। और इधर मैं बात करूं यहां पर राण रसो, राण रसो के जो है वो है दयाल दास, ठीक है बिल्कुल सही, दयाल दास, क्या है दयाल दास, दयाल दास। फिर है शत्रुसाल रसो, शत्रुसाल रसो, और ये संगत रसो, ये तो मेरे नाम से गिरधर आसिया, क्या है गिरधर आसिया, ठीक है। तो कुछ लोग जुड़े हुए मेरा नाम जानते हो क्या, किसको पता है मेरा नाम गिरधर आसिया, ठीक है। तो संगत रसो किसका है गिरधर आसिया, हमीर रसो किसका है जोधराज सारंगधर, सती रसो किसका है सूर्यमल मिश्रण, राण रसो किसका है दयाल दास, कायम रसो किसका है जान कवि, विजयपाल रसो नरसिंह, खुमान रसो दलपत, क्या खुमान रसो दलपत, ठीक है। और शत्रुसाल किसका है डूंगर, डूंगर सिंह, डूंगर सिंह, डूंगर सिंह, क्या है डूंगर सिंह, ठीक है। अब देखो याद सिंपल सा, सिंपल याद करते कुछ नहीं करना ये। अब जब आप ये जितने भी इंजीनियर्स है ना उन्होंने पेड वेव दे दिया है तो उनको बहुत ही आसानी से क्लास मिल जाएगी, उसमें हम और डीप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो हमीर रसो तो आपको याद करना पड़ेगा, हमीर रसो, और एक क्वेश्चन आता है हमीर महाकाव्य, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से हमीर महाकाव्य। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आता है हमीर रसो का, एक आता है हमीर महाकाव्य का। आप है ना आपको विश्वास नहीं, एक बार पुराने पेपर देखो आपको पता लग जाएगा कि हाँ पढ़ाई तो सही हो रही है, ठीक है। हमीर महाकाव्य तब आपको लगेगा कि सर सारे कवर करवा रहे हैं, जितने सारे के सारे। हमीर महाकाव्य इसके कौन है, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, ठीक है नयन चंद्र सूरी, ये ध्यान रखेंगे। तो जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, जितना तो हमीर महाकाव्य, ये छोटा सा है हमीर रसो है, तो ये जोधराज और सारंगधर, क्या सारंगधर। अगला सती रसो, तो सती जो है सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। राण रसो दयाल, ठीक है, राणा को क्या आ गई दया आ गई, क्या आ गई राणा को दया आ गई, या राणा कुंभा को दया आ गई, किस पर आई दयाल दास। कायम, कायम किस पे मरते थे, किस पे थे जान पे कायम थे, क्या थे वो अपनी जान पर कायम थे, जान पर लड़कर कायम थे इस तरीके से। विजयपाल, विजयपाल एक आदमी है बिल्कुल नल टाइप का, ठीक है नल सिंह, दिमाग वाला नहीं है। दूसरा खुमान, तो जिसका नाम खुमाराम है उसके भाई का नाम दलपत होगा, खुमा, क्या खुमाराम, मारवाड़ में से नाम है खुमाराम, दलपत राम, ठीक है। तो खूम लो दलपत, खुमान रसो दलपत। फिर देखो शत्रुसाल, अब देखो शत्रु जितने भी होते एनिमी कहां किसके पीछे लड़ते, डूंगर के पीछे, किसके पीछे डूंगर, बात ही खत्म डूंगर सिंह शत्रुसाल। संगत, आप संगत करोगे गिरधर सिंह आसिया मेरे साथ, है ना संगत रसो, क्या ये जितने भी रसो है सारे इकट्ठे कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ कार्तिकड़ा तू ही पढ़ा दे फिर, अच्छा क्या हो गया, ठीक है हमीर महाकाव्य नयन चंद्र विजयपाल नरसिंह, बिल्कुल टाइप मिस्टेक्स, अच्छा ठीक है हाँ याद हो गया ना, समझ गया आप, बिल्कुल याद रखेंगे इसको आगे से, बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट में बात करूंगा दो इंपॉर्टेंट है, और अभी जो क्वेश्चन है ना आप अगला करोगे। एक है ढोला मारूरा दुआ, ढोला मारूरा दुआ, मारूरा दुआ, ठीक है। एक है ढोला मारूरी सौपाई, क्या है ढोला मारूरी सौपाई, मारूरी सौपाई, ये दो चीजें हैं, क्या है ये दो चीजें हैं, इसको ध्यान रखें। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ ये किसने लिखा, किसने लिखा। देखो दुआ जो होता है ना, वो दुआ का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं जोर से, ये दुआ जब भी शादी होती है ना तब जान जाती है, क्या बारात जाती है ना, तो उसके साथ एक जाती होती है डाटी टाइप, है ना। तो वहां के लोग जो है उनकी एक परंपरा है, वो जब भी जाते हैं ऐसे करते हैं हेलो हाउ, ऐसे करके मतलब इस तरीके से वो करते हैं दुआ, क्या दुआ, ये बहुत चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते मतलब कल कल करते, कवि कल्लोल, क्या कल्लोल,
या तो कल्लोल टाइप को आदमी बिल्कुल ऐसे बोलता रहता, कवि कल्लोल, क्या कवि कल्लोल, ठीक है। अब चौपाई, ढोला मारूरी चौपाई, अब जो चौपाई दिखेगा कुछ ना कुछ उसको मिलेगा लाभ, मिलेगा क्या मिलेगा, कुशल लाभ, कुशल लाभ, क्या कुशल लाभ, ठीक है, हिंदी में देख लो कुशल लाभ। तो ढोला मारूरी चौपाई इसकी है कुशल लाभ, और दुआ के कौन है, कवि कल्लोल, कौन है, कवि कल्लोल, ठीक है, समझ के बताओ फटाफट जल्दी बताओ यहां पर। और फिर हम लास्ट बात करते हैं यहां पर कन्हैयालाल सेठिया, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। इनकी एक तो ध्यान रखो पीथल और पाथल, और एक है धरती धोरारी, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पीथल और पाथल, पीथल और पाथल एग्जाम में आता है, पीथल और पाथल किसने किसको किसने किसको किसको कहा, ठीक है। तो पाथल किसको बोला और पीथल किसको बोला, कमेंट बॉक्स में, पीथल बोला पृथ्वीराज को, पाथल बोला महाराणा प्रताप को, ठीक है, पीथल पाथल, और एक है धरती धोरारी, क्या है, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये कविता बड़ी इंपॉर्टेंट है, कन्हैयालाल सेठिया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है, समझ गए आप, हाँ, पीतल पातल धरती धोरारी सेठिया जी, बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया, मीनाक्षी बोल रही है बाईसर जी, क्यों क्या हो गया भाई, हाँ मीनाक्षी क्या हो गया, इंजीनियर लवलेस, हाँ इंजीनियर समझ में आ रहा है, एक बार बताओ, धरती धोरारी गाना, ठीक है, हाँ समझ गया ना, ये कुछ बातें हैं जो यहां से ध्यान रखें। अब देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो मैं आपको बताता हूं, वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, क्या ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखो इसको, यहां पर बताओ, ढोला मारूरा दोहा, ये रहा भाई साहब जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे सीधे, और इतना ही है, अगली बार कोई साहित्य का मैं टॉपिक और पढ़ाऊंगा तो साहित्य पूरा करवा दूंगा, खत्म, बहुत कम है आर्टिकल्स, राजस्थान के आर्टिकल्स है ही नहीं जो आप ढंग से पढ़ोगे तो। ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था, और इंग्लिश में देखोगे यहां पर हु इज द, हु वाज द कंपोजर ऑफ ढोला मारूरा दोहा, हु वाज द कंपोजर ऑफ ढोला मारूरा दोहा, बिट्टू सुजा, कल्लोल, कृपाराम बारट और ईसरदास, क्या ईसरदास, ईसरदास, ईसरदास ने हाला जालारी कुंडलिया लिखी थी, ठीक है, ईसरदास बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्तिक बोल रहे काश कुछ दिनों के लिए दुनिया छोड़ जाना, अच्छा अच्छा हाँ बोलस कहां जा रहे हो, दौलत हो गया ना क्वेश्चन, अवतार सिंह समझ गए, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, कवि कल्लोल आंसर है, क्या कवि कल्लोल इसका राइट आंसर है, कवि कल्लोल इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसको ध्यान रखें, कवि कल्लोल, कवि कल्लोल। कृपाराम बारट इसकी भी कुछ पुस्तकें हैं तो वो मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहां से, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, वो है ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों पूछ लिया पॉलिटी में, वैसे पॉलिटी थी नहीं जेईई के अंदर, फिर भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसकी जो है आपको दो तीन पेज के नोट्स बना के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ ले। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये हो सकता है कि एक पर्सनैलिटी का टॉपिक है, क्या है, एक पर्सनैलिटी का एक अलग से सिलेबस का टॉपिक है, कल आप ध्यान रखना, कल इंजीनियर्स अड्डा पे एक टाइम रहेगा, अपन टाइम रखते हैं कब का रखें, है ना, तो मेरी एक से तीन है ना, तो 4-1 बजे का टाइम रखते हैं, 4-1 बजे का सेशन होगा, उसमें मैं आपको एक बार सिलेबस डिस्कस कराऊंगा, जितना भी सिलेबस है ना टेक्निकल, ये अपना टेक्निकल के अंदर जो भी राजस्थान का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है, डिटेल के अंदर, और उसमें आप बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि हम इसको कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, क्या सोर्स होने चाहिए, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कल, कल 4 बजे, क्या कल 4 बजे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो तैयार रहना कल 4 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे, ठीक है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन वहां से बना है, पर्सनैलिटी से बना है, क्या पर्सनैलिटी यानी मुख्य व्यक्तित्व, ठीक है। तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, उजला अरोड़ा और कमला बेनीवाल। तो आप ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 12वीं विधानसभा में,
बारी विधानसभा में जब सरकार थी वसुंधरा राजे सिंधिया की और राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल, ठीक है, वहां पर सुमित्रा सिंह बनी थी। कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। और कमला बेनीवाल इसलिए इंपोर्टेंट है, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, क्या? डेप्यूटी सीएम, राजस्थान की पहली डेप्यूटी सीएम, ठीक है, ये इसलिए इंपोर्टेंट है कमला बेनीवाल, क्या? कमला बेनीवाल। तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई 40 में से 40 तो नहीं ला सकते, लेकिन 40 में से 35 आप आराम से ला सकते हैं, आराम से, ठीक है, क्योंकि इनके लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें। एक क्वेश्चन पूछेगा इसके चक्कर में जो है हम पूरा पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी और पॉलिटी के अंदर बहुत सारी डीप चीजें हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा और थोड़ी सी कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट नोट करवाऊंगा। ये राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है और आप जब हिस्ट्री को देखते हो ना तो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री के 3-4 टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए हमेशा। पहला जो आपको टॉपिक मिलता है वो 1857 की क्रांति, राजस्थान के अंदर कहां से हुई, नसीराबाद से स्टार्ट हुई, कितनी सवनिया थी, क्या था, सब कुछ मामला, दिल्ली सलो का नारा किसने दिया, कौन सी वो छावनी थी, ठीक है, इस तरीके से जो है अपने आउवा के शासक कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, 1857 की क्रांति। फिर उसके बाद आता है आंदोलन। अब आंदोलन के अंदर दो चीजें हैं, क्या? एक तो अपना किसान आंदोलन यानी पीजेंट मूवमेंट, एक अपना ट्राइबल मूवमेंट, क्या? ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट। फिर उसके बाद आता है प्रजा मंडल, क्या आता? प्रजा मंडल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एकीकरण। एकीकरण के बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भाई किस संस्थाएं कौन सी बनी, न्यूज़पेपर कौन से थे, इस तरीके से। तो ये जो है ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से, प्रजा मंडल, एकीकरण, आंदोलन और 1857 की क्रांति, यहीं से ही आते हैं क्वेश्चन, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं आते। तो इसमें पूछा है कि कौन डाबी में शहीद हुआ, ऐसे तो ये बन नहीं पाएगा क्वेश्चन। अब अगर आप राजस्थान से नहीं हो तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, और जो राजस्थान से है उनसे बन जाएगा, ठीक है, हाँ ये बात है, ठीक है। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, आप जितने भी इंजीनियर्स, क्लास को शेयर करो, है ना, आसपास के आपके और भी फ्रेंड होंगे उनको लेके आओ, क्लास में और अच्छा माहौल बनेगा बहुत। बिल्कुल धीरे से इस मैदान से पढ़ूंगा जीरो से, आप टेंशन मत लो। इस पेपर को सॉल्व होने के बाद दूसरा पेपर करेंगे, दूसरे पेपर में वापस वही चीजें रिपीट करूंगा। आप जितना हो सके, मैं लिखवा रहा हूं उनके नोट्स बना लो, मैं कुछ भी लिखवा रहा हूं उसके सबके नोट्स बनाओ, और ये गारंटी है पेपर के अंदर बहुत क्वेश्चन आते, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे मैंने ये बता रखा है, इसके ऑप्शन में ये बता रखा, सीधा सीधा डायरेक्ट फंसते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मत समझो कि भाई क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, और क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते वो आप प्रीवियस ईयर पेपर खुद देखो, एक बार पता लग जाएगा कि हाँ सर पढ़ा तो सही रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कॉन्फिडेंस था, आप भी अंदर अपने कॉन्फिडेंस बना के रखो। सर 2021 ऐसे ही निकल गया, 2022 भी ऐसे निकल गया, सोनी का देखो इतना ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, कल से वापस तैयारी करो, जीरो से वापस, है ना, शुरू से एकदम, ठीक है, बस करते जाओ मेहनत, एवरेज से ऊपर मेहनत करो, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसका एसटीटी जीके स्ट्रांग है ना वो कुछ भी कर सकता है। सर मेरे 2020 जेई सिविल एग्जाम में 29 मार्क्स आए थे, अच्छा स्कोर है इंजीनियर सूर्य। इस बार कितना करना है? इस बार 39 करना, कितना? 39 नहीं तो 36 या 37 करना, ये उतना मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए इतना, क्योंकि पिछली बार 29 तो आपके आ गए थे, इस बार तो इतने आने चाहिए, क्या? इतने आने चाहिए, ठीक है। हाँ सर आप ऐप पर क्लास कब चालू हो रही है? बिल्कुल दौलत जी, ऐप पर भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हाँ ठीक है सेजल। तो ये ध्यान रखेंगे डाबी में शहीद हुआ, इसका आंसर क्या है? नानक भीर। क्या है? नानक भीर। एक बार आप आंदोलन की डेट लिख लो, क्या? आंदोलन की डेट लिखो, राजस्थान में जितने भी मूवमेंट हुए ना उनकी एक बार प्रॉपर डेट लिखो, है ना, डेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर ऑर्डर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ऑर्डर। तो देखो पहला जो डिपार्टमेंट है और पहला जो आंदोलन है वो है बिजोलिया, सबसे बड़ा आंदोलन राजस्थान का, सबसे बड़ा आंदोलन है बिजोलिया। बिजोलिया क्या है? बिजोलिया, बिजोलिया कहां पड़ता है बताओ? बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया कहां पर पड़ता है बताओ? तो भीलवाड़ा। कहां पर? भीलवाड़ा। और ये 3 चरणों के अंदर स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बिजोलिया, ठीक है, 1897 से लेकर और 1900 कितना तक चला बताओ? 1897 से लेकर 3 चरणों में स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन,
और 1941 तक, कितना 1941, एक ये टाइम ध्यान रखो इंपॉर्टेंट, और ये वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबा आंदोलन पीजेंट मूवमेंट था, विश्व का सबसे बड़ा लंबा आंदोलन, साथ में बिल्कुल अहिंसा, कोई मतलब नॉन वायलेंस था, वायलेंस नहीं हुई, क्या हुई वायलेंस बिल्कुल नहीं हुई, जो लिया पीजेंट मूवमेंट। फिर उसके बाद में दूसरा मूवमेंट वो है अपना कौन सा है यहां पर, बर्ड किसान आंदोलन, क्या है बर्ड, ठीक है, या फिर बात करूं बेंगू, बेंगू बेंगू पीजेंट मूवमेंट, ये पहले डेट ध्यान रखो आप, डेट डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है बेंगू की, ठीक है। बेंगू की बात करूं तो ये 1921 का है, और अभी वर्तमान में कहां पर है बेंगू, चित्तौड़गढ़ के अंदर बेंगू, तो बेंगू 1921 और कहां पर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ये ध्यान रखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। फिर उसके बाद बात करते बरड, बरड किसान आंदोलन यानी बरड पीजेंट मूवमेंट, बर्ड पीजेंट मूवमेंट है ना ये, अपने डाबी, क्या है डाबी आंदोलन भी बोलते हैं, या फिर इसको बर्ड भी बोलते हैं, या फिर इसको बूंदी भी बोलते हैं, तो बर्ड कहां पर है बूंदी, बूंदी है ना, ये 1920 का है, कब 1920 का है, और नानक जी भील इसी आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, क्या हुए थे नानक जी भील, ठीक है नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए, नानक जी भील इसके अंदर शहीद हो गए, और ये डाबी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डाबी आंदोलन, डाबी मूवमेंट, डाबी मूवमेंट, ठीक है डाबी मूवमेंट, ये आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं चार नंबर, चार नंबर जो अपना है वो है नीमू चढ़ा, क्या है नीमू चढ़ा हत्याकांड जो अलवर में स्थित है, नीमू चढ़ा, क्या नीमू चढ़ा, नीमू चढ़ा, ठीक है नीमू चढ़ा मूवमेंट। इसकी प्रॉपर डेट ध्यान रख लो, इसकी डेट है 14 मई 1925, कितनी है 14 मई 1925, इसकी डेट है 1925, 14 मई 1925, वेरी इंपॉर्टेंट। नीमू चढ़ा कहां पर है वर्तमान में अलवर के अंदर, कहां पर है अलवर, तो राजस्थान के अंदर में बात करूं ना, ये दो तीन ऐसे पीजेंट मूवमेंट है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और निमूसना, निमूसना के बाद में यहां पर एक है सिखावटी किसान आंदोलन, क्या है सिखावटी किसान आंदोलन, ठीक है। तो बिजोलिया, बेंगू, बरड और निमूचना, और निमूचना, समझ गए आप, बताओ फटाफट। अब देखो निमूचना के अंदर गांधी जी ने इसको दोहरी डायरेक्शन, क्या डबल डबल, इसको क्या कहा दोहरी डायरेक्शन, दोहरी डायरेक्शन, ये संज्ञा दी थी, ये दोहरी डायरेक्शन, दोहरी डायरेक्शन की संज्ञा। नानक जी भी किसके अंदर शहीद हुए, तो ध्यान रखेंगे बरड, बूंदी और डाबी, क्या बरड, बूंदी और डाबी, ठीक है ये कुछ बातें जो है यहां से। इसके अलावा बात करूं यहां पर बूंदी के अंदर बेंगू, बेंगू के अंदर एक इंपॉर्टेंट है ट्रेंस कमीशन, ठीक है बेंगू के अंदर, तो इतने आप जो है पीजेंट मूवमेंट ध्यान रख लो, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे मोटे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और रूपा जी कृपा जी, ये बताओ रूपा जी और कृपा जी जो ये किसान है ना, ये किसके अंदर शहीद हुए, रूपा जी कृपा जी। दूसरे नैनूराम जो है, नैनूराम ये कोटा से बिलोंग करते हैं, कहां से कोटा से, नैनूराम कई बार एग्जाम में आता है कि नैनूराम का संबंध किस प्रजामंडल से, तो नैनूराम कोटा से है, क्या कोटा से। और ये कालीबाई जो है ना, ये डूंगरपुर रास्तापाल घटना हुई थी, एक इवेंट आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर, रास्तापाल, रास्तापाल जो घटना है ना, इसके इसके लिए एक बालिका थी जिनका नाम कालीबाई था, इनके टीचर का नाम सेंगा भाई और एक कोई और नाम था, अंग्रेजों के टाइम स्कूल नहीं खुल रही थी, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही थी, ये इस बालिका ने अपने जो है टीचर को बचाया, और इस तरीके से जो है एक घटना है रास्तापाल, रास्तापाल इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है रास्तापाल इवेंट, रास्तापाल, तो याद रखना ये कहां पर है डूंगरपुर में, कहां पर है डूंगरपुर में रास्तापाल, रास्तापाल घटना, ठीक है। ये किसकी बात है, आजादी के आसपास की बात है, तब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, क्या हुआ था अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ठीक है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखें। दूसरा देखो, हमने बात की थी बेंगू की, किसकी बात करी थी बेंगू, तो ये बेंगू जो किसान आंदोलन इसके अंदर हुए थे रूपा जी और कृपा जी, एग्जाम में आता है नानक जी भील किसमें शहीद हुए, तो डाबी, ठीक है। इसी प्रकार इस बेंगू के अंदर रूपा जी और कृपा जी दो किसान शहीद हो गए, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, रूपा जी और कृपा जी। और एक कमीशन बिठाया ट्रेंस कमीशन, क्या ट्रेंस कमीशन, बीटी यानी बी फॉर बेंगू टी फॉर ट्रेंस, तो ट्रेंस कमीशन, ट्रेंस कमीशन किससे संबंधित है एग्जाम में आता सीधा सीधा, तो ट्रेंस कमीशन का रिलेटेड टू बेंगू, क्या रिलेटेड टू बेंगू, रिलेटेड टू
ठीक है बताओ। अब अमन और बोल को पेस्ट के लिए ठीक है रूपा जी कृपा जी बेंगू सर इसकी पीडीएफ नहीं देंगे अनास को जी अनास का जी पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है ये मैं लिखवा रहा हूं इसको आपको लिखना पड़ेगा। देखो पीडीएफ से कुछ नहीं होता आप चीजों को नोट करते जाओ और मैं बोल रहा हूं 10 दिन तो आज भी ये चौथी क्लास है फोर्थ क्लास के अंदर भी आपको इतना इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस किस को दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट किस तरह चीजें समझ में आ रही है ठीक है। और बार बार लोग वो सबको पता है कि भाई एक समय में समझ में आती नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। इंजीनियर सूर्यांश बोल रहे हैं सर आपने जीके का डर फिनिश कर दिया थैंक यू सर फॉर ग्रेट क्लास। बिल्कुल सूर्यांश जी बिल्कुल इसी प्रकार स्टूडेंट को जोड़ते रहो आप है ना 49 मार्क आएंगे। अरे भाई साहब 49 लेके आएगा 40 के अंदर है थारा भाई है इतने नंबर लेके आएगा किसी ने सोची ना होगी 49 नंबर वाह बेटे वाह मौज कर दी है। तो टाइम हो गया है अपना ठीक है क्लास कैसी लगी जरूर बताना। इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कि भाई जिनको बैच ज्वाइन करना है जेईन के अंदर दो चीजें हैं एक डिग्री और डिप्लोमा ठीक है। तो जिन्होंने भी बैच ज्वाइन किया या जिनको ज्वाइन करना है इन अड्डा 247 पर जाओ वहां पर बिल्कुल एकदम सस्ते में आपको ये बैच मिल रहा है बिल्कुल बेहतरीन क्लास है पूरा का पूरा एकदम ऑर्गेनाइज बैच है तो आप जेईन के ये बैच ले सकते हो ठीक है। मेरा कोड लगाओगे Y398 तो Y398 कोड लगा के आप ये बैच प्रोसेस कर सकते हो ठीक है। तो कोड जरूर लगाना मत भूले Y398 बचपन का प्यार है क्या है ये अपने बचपन का प्यार है भूल मत जाना रे क्या भूल मत जाना बचपन का प्यार ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जितना हो सके मैं बोल रहा हूँ रिविजन करते सर मेरा PSPCL में 3 नंबर से रह गया अवतार सिंह ओहो अवतार सिंह इस बार आप नया अवतार लेके आओगे एकदम है ना। मीनाक्षी बोल रही थैंक्स डियर टीचर सुपर डुपर सेशन वाह क्या बात। जेपी सिंह राठौड़ इसी प्रकार जुड़े रहो और सेशन में बताया करो लोगों को कि सर की क्लास होती है इस टाइम आया करो ठीक है। आप नहीं बताओगे तो कैसे पता लगेगा है बात यही तो है। तो गुड नाइट मिलते हैं फिर।